तो फ्रेंड्स न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करना है कि वो आपका टीडीएस किस बेसिस पर डिडक्ट करे, और ये हर साल आप डिक्लेयर करते ही हो। बट इस साल मतलब 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको टैक्स ओल्ड रेट पे देना है या न्यू रेट पे। तो उसी के बेसिस पर आपको अपने एम्प्लॉयर डिक्लेयर करना है कि वो टीडीएस आपका किस बेसिस पर डिडक्ट करे और आप आईटीआर किस बेसिस पर फाइल करोगे। तो इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन आई है, उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएंगे कि जो आपने इनकम अर्न करी थी फाइनेंशियल ईयर 1920 में उसका टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, और जो आप इनकम अर्न करोगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसके लिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, ओल्ड या न्यू, और अगर आप एक बिजनेस भी करते हो और सैलरी भी आती है तो उस केस में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है और उसे कैसे सिलेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्स आप कैसे कंप्यूट करते हो? इनकम अंडर डिफरेंट हेड, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस इनकम प्लस प्रोफेशनल इनकम प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज, इसको बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम। लेस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C-80U, मतलब अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है 80D में, या कोई आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, आप प्रिंसिपल डिडक्शन लेते हो 80C में, एटसेट्रा। लेस करने के बाद आपकी आएगी टोटल टैक्सेबल इनकम TTI। ये जो लिखा हुआ है ये हम बाद में रीड करेंगे। अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपको कौन सी स्लैब रेट यूज करनी है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इनकम टैक्स में वर्ड यूज होता है असेसमेंट ईयर। जो आप इनकम अर्न करते हो फाइनेंशियल ईयर में 1920 में उसका आप टैक्स पे करोगे असेसमेंट ईयर 2021 में, मतलब 31 जुलाई 2020 तक पे करोगे टैक्स, या वो डेट अगर कोई चेंज हो जाती है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो या NRI हो, आपकी एज 60 साल से कम है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस केस में आपकी स्लैब रेट क्या रहेगी? ये 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, 10 से ज्यादा 30%। इसको भी एक बार समझ लो, यहां पे लिखा हुआ है लेस देन 60 ईयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। सपोज करो 30 मार्च 2020 तक आपकी एज 59 ईयर्स और कुछ मंथ रहती है, 31 मार्च को होते ही आपकी एज हो जाती है 60 साल। 31 मार्च को एज हो जाती है 60 साल, तो आप उस केस में यहां पर फॉल करोगे, तो आपको माना जाएगा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल और उससे ज्यादा है बट लेस देन 8 ईयर। तो आपके लिए स्लैब रेट क्या है? 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो, रेजिडेंट, जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%। इन टैक्स रेट को आप इंक्रीज करोगे बाय सरचार्ज एज एप्लीकेबल, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड कर दोगे। तो ये तो बात हमने की फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मतलब जो आप इनकम अर्न करोगे 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, अगर आप चूज करते हो आपको न्यू स्लैब रेट लेनी है जिसको बोलते हैं लोअर स्लैब रेट, एक बार वो देखते हैं। न्यू स्लैब रेट सभी के लिए सेम है इरिस्पेक्टिव कि आपकी एज कितनी है, 60 से कम है, 60 से ज्यादा है, 80 से कम है, 80 से ज्यादा है, सबके लिए अगर आप चूज करते हो न्यू स्लैब रेट तो वो रेट ये लगेंगे। तो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सीनियर सिटीजन के केस में एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी, अगर वो न्यू रेट लगाएंगे तो उनके लिए लिमिट है 2.5 लाख की। कितनी? 2.5 लाख की। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 1 रुपया भी ज्यादा 10 लाख तक 15%, 10 से 1 रुपया भी ज्यादा 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ज्यादा 30%। ये न्यू स्लैब रेट है। अगर आप चाहते हो कि आपका टैक्स इस बेसिस पर डिडक्ट हो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पता है कि आपको न्यू स्लैब रेट नहीं जाना तो आप ओल्ड स्लैब रेट को चूज करो, जो मैंने आपको अभी दिखाए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए वही कंटिन्यू रहेंगे। अब न्यू स्लैब रेट की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर अवेलिंग न्यू लोअर स्लैब रेट, दिस इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
अगर आपने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी तो उस केस में आपका टैक्स निकलेगा ओल्ड स्लैब रेट के बेसिस पर, जो मैंने आपको दिखाया फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। कंडीशन क्या है कि आपको ये सब नहीं मिलेगा। नंबर वन, लीव ट्रेवल अलाउंस LTA, HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, अगर आपकी कोई माइनर की इनकम आ रही है, क्लब हो रही है, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 1500 वाली। अगर आप एक SEZ यूनिट हो और आपके जो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आप सैलरी में से 50,000 की डिडक्शन लेते हो अंडर सेक्शन 16, वो भी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसमें आप कोई डिडक्शन ले रहे हो, वो भी आपको नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो बिजनेस भी करता है उसको वो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन वो ले सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए होता है वो नहीं मिलेगा। नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 32AD, 33AB या 33ABA, ये कोई स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जो जिनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस कर रहे हो तो उनको इन सभी सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन की इनकम आ रही है उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो 57 सबसेक्शन 2A में डिफाइंड है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C से लेकर 80U तक, एक्सेप्ट कि अगर आपका कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में 80CCD2 और 80JJAA, जिनके ये अप्लाई हो रहा होगा, वो डिडक्शन मिल सकती है। अदरवाइज आपको 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप कोई LIC का प्रीमियम देते हो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80E में कोई, अगर आप हायर एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80D में कोई मेडिकल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई हाउसिंग लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट, अगर आपका कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी की हेड में कोई लॉस है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अदर इनकम के साथ। समझाता हूं, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम, वहां पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे किसी हेड में आपको लॉस आ रहा है हाउसिंग प्रॉपर्टी के हेड में, वो लॉस कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो वो माइनस में फिगर आ रही है, तो क्या आप इनको नेट कर सकते हो? तो आंसर इज नो। अगर आप ये न्यू लोअर स्लैब रेट लेते हो तो आप नहीं कर पाओगे। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो गाइज, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है चार केसेस। पहले हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपका टैक्स कितना बनेगा, फिर सेम फिगर्स के साथ हम न्यू स्लैब रेट में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपके लिए एक ही ऑप्शन है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, सैलरी इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, क्योंकि 19-20 में आपको 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 लेस करने के बाद आपकी इनकम है 4,20,000, 5,00,000, 6,50,000, 7,50,000। इन सभी हेड में कोई इनकम होगी तो लिख देना। ग्रोस टोटल इनकम आपकी आगी 100 एंड 100, लेस करी आपने डिडक्शन 80C to 80U, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख आपकी, मतलब इससे ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा लिखो, तो आपकी आगी टोटल टैक्सेबल इनकम। अब मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पर लिखा हुआ था कि इफ टोटल टैक्सेबल इनकम इज अप टू ₹5 लाख देन टैक्स पेबल विल बी जीरो, बिकॉज जब आपकी इनकम 5 लाख तक होती है आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाती है मैक्सिमम 12,500 की। अगर आपका टैक्स बनता है 10,000 तो आपको 10,000 की रिबेट मिल जाएगी और जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको वो रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो केस वन में 2.5 लाख तक जीरो, 2,70,000 माइनस 2.5 लाख, 20,000 का 5% कितना है 1,000, 87A में रिबेट मिल जाएगी ₹1,000, मैक्सिमम कितनी रिबेट मिलती है 12,500, और ये रिबेट क्यों मिल रही है क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख तक है। ऐसे केस टू में 5 लाख आया, टैक्स कितना बना 5 लाख माइनस 2.5 लाख का 5%, 12,500, रिबेट मिल जाएगी 12,500। केस थ्री में ये भी 5 लाख आया, सेम एग्जाम्पल है पूरा, रिबेट मिल जाएगी 12,500। फोर्थ केस में 6 लाख आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आई, तो यहां पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी बिकॉज आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है। तो 2.5 लाख तक बना टैक्स जीरो, यहां पर 5 लाख माइनस 2.5 लाख का 5%, 12,500, 6 लाख माइनस 5 लाख का 20%, बिकॉज टोटल इनकम आपकी कितनी है 6 लाख, और 5 लाख से ₹1 भी ज्यादा हो तो 20% टैक्स लगता है, मतलब 1 लाख के ऊपर 20%। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल टैक्स बना 32,500, कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी बिकॉज इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर दोगे, टोटल टैक्स पेबल बन जाएगा आपका 33,800। तो ये हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में
चूज करते हो कि आपको न्यू स्लैब रेट पर जाना है, मतलब न्यू लोअर रेट को आपको ऑप्ट करना है, तो उस केस में आपका टैक्स कितना बनता है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 सैलरी जो मैंने आपको लास्ट फिगर्स दिखाई थी बिल्कुल सेम मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो लास्ट फिगर्स में मैंने आपको दिखाया कि यहां पर 50,000 की रिडक्शन कंसिडर की है, एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी है 4,70,000, 5,50,000, 7,00,000 और 8,00,000। बिकॉज जो अगर आप न्यू स्लैब रेट चूज करोगे तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 नॉट अलाउड। तो आपकी इनकम कितनी हुई अकॉर्डिंगली लाइक दिस। आगे आप ग्रोस टोटल इनकम निकालना, 80C to 80U नॉट अलाउड, कोई भी इनकम आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो टोटल टैक्सेबल इनकम क्या आ गई आपकी इतनी। न्यू स्लैब रेट के केस में भी अगर आप चूज करते हो 87A की रिबेट तो आपको मिलेगी अगर आपकी इनकम है 5,00,000 तक। तो फर्स्ट केस में 4,70,000 माइनस 2,50,000 5% तो 11,000 आया, 87A की रिबेट मिल गई 11,000, टैक्स बनेगा 0। इस केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि 5,00,000 से ऊपर है। टैक्स कितना बना, 5,00,000 माइनस 2,50,000 का 5%, 5,50,000 माइनस 5,00,000 का 50,000 आया उसका 10%, टैक्स बना 17,500, रिबेट नहीं मिलेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर लेना, आया 18,200। तो अगर हम ओल्ड रेट देखेंगे तो आपका टैक्स कितना बनता है 0, पर अगर आप न्यू रेट करते हो तो आपका टैक्स बनता है 18,200। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है। केस 3, 7,00,000, 2,50,000 तक 0, 2,50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा 5,00,000 तक 5%, 12,500, 5,00,000 से 1 रुपया भी ज्यादा 7,00,000 तक, क्योंकि आपकी इनकम 7,00,000 तक ही है। तो टैक्स कितना बना, 7,00,000 माइनस 5,00,000, 2,00,000 का 10%, मतलब 20,000, 32,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके 33,800 आया। पर अगर हम ओल्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका टैक्स बनता है 0, तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। केस 4, टैक्स कितना बना, 2,50,000 तक 0, 2,50,000 से 5,00,000 तक 5%, 12,500, 5,00,000 से 1 रुपया भी ज्यादा 7,50,000 तक 10%, 25,000, 7,50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा 10,00,000 तक, मतलब 8,00,000 माइनस 7,50,000, 50,000 का 15%, 7,500। टोटल टैक्स बना 45,000, मैक्सिमम रिबेट तो मिलेगी नहीं बिकॉज ये 5,00,000 से अबव है, तो टोटल टैक्स बना 46,800 और ओल्ड स्लैब रेट में आपका टैक्स बनता है 33,800। तो अकॉर्डिंगली आपका हर केस में ओल्ड स्लैब रेट को चूज करना बेटर रहेगा। आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर सकते हो ओल्ड स्लैब रेट का ऑप्शन। अभी क्लैरिफिकेशन क्या आई है, देखो फ्लो समझना, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 2021, जिसको तो पता होगा उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, वो ऑप्शन अपना एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर देगा, वो उसी के बेस पर उसका पूरे साल में टीडीएस डिडक्ट करेगा। जब वो पूरे साल की रिटर्न फाइल करेगा फाइनेंशियल 2021 की 31 जुलाई 2021 तक जब फाइल करेगा तो वो उसी बेसिस पर अपनी आईटीआर फाइल कर देगा जो सा ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया होगा। अगर किसी को पता नहीं है कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है तो वो सपोज करो उसने ऑप्शन बताया कि मुझे न्यू स्लैब रेट चूज करना है, तो उसका एम्प्लॉयर पूरे साल उसी ऑप्शन के बेसिस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर आप चाहोगे तब भी वो चेंज नहीं करेगा, बट जब आप उसकी आईटीआर फाइल करोगे इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को, अगर आपको लगता है कि आपने जो ऑप्शन अपने एम्प्लॉयर को बताया था वो आपने गलती से बता दिया, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सर्कुलर में यही लिखा हुआ है कि ये जो आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर रहे हो ओल्ड या न्यू, दैट डजंट मीन कि आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है। आप चाहो तो आईटीआर के टाइम पर इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से आप ऑप्शन ओल्ड लेना है या न्यू लेना है वो आप चूज कर सकते हो। बट ये कब, नेक्स्ट ईयर में आपके पास फिर से कब ऑप्शन आएगा, जब आपके पास सिर्फ सैलरी की इनकम है। बिकॉज जिसकी सिर्फ सैलरी की इनकम होती है उसके पास हर साल ऑप्शन होता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे। अगर किसी पर्सन के पास बिजनेस इनकम भी है और सैलरी की इनकम भी है तो उस केस में अगर उसने एक बार ये न्यू स्लैब रेट का ऑप्शन चूज कर लिया तो फ्यूचर में ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। किसी भी साल में अगर उसने ये ऑप्शन वेव कर दिया, छोड़ दिया, फॉरगो कर दिया, तो वो इसको ऑप्ट कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, कर पाएगा जब वो बिजनेस ही बंद कर देता है और सिर्फ उसे सैलरी इनकम आ रही है। जब उसे सैलरी इनकम आ रही है तो वो उस केस में हर साल में वो ऑप्शन चूज कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी की बिजनेस इनकम भी है और सैलरी इनकम भी है, अगर उसने एक बार कोई ऑप्शन चूज कर लिया तो वो दोबारा चेंज नहीं कर सकता। बट अगर सपोज करो उसने बिजनेस ही बंद कर दिया, उसके पास सिर्फ सैलरी की इनकम आ रही है, तो उस केस में
फिर हर साल उससे ऑप्शन आएगा कि उसको ओल्ड लेना है या न्यू लेना है। एम्प्लॉयर को बताना डजंट मीन कि आपको किस ऑप्शन में आईटीआर फाइल करनी है। आप अपने एम्प्लॉयर को कोई सा ऑप्शन मर्जी दो, जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप वो चूज कर सकते हो। तो गाइज ये वो सर्कुलर है C1 ऑफ 2020 13 अप्रैल को इशू हुआ है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। क्या बोलता है कि ये ऑप्शन आपको कौन से साल में दिया जा रहा है, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। किसको ऑप्शन मिल रहा है, इंडिविजुअल और HUF को। इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट से रीड करो, इट इज क्लैरिफाइड दैट इंटीमेशन सो मेड टू द डिडक्टर शैल बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब आपने एम्प्लॉयर को अपने बताया कि मेरा TDS इस ऑप्शन से डिडक्ट करना है, तो वो पूरे साल उसी ऑप्शन से डिडक्ट करेगा, चेंज नहीं कर सकता। बट अगर आप चाहो वाइल फाइलिंग ITR कि मुझे ये ऑप्शन नहीं लेना है, तो आप चेंज कर सकते हो। बिकॉज ऑप्शन चूज करने का राइट कौन से सेक्शन में है, 115 BAC सब सेक्शन 5 में। वो आप तभी चूज कर पाते हो जब आप अपनी ITR फाइल करोगे। अभी फॉर्म्स नियत नहीं, तो आपको मैं दिखाता, जब आप अपने फॉर्म्स में फाइल करोगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन आएगा, तो तब आपका ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है। दैट इज ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इंटीमेशन मेड बाय सच एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर फॉर दैट प्रीवियस ईयर। बहुत एफर्ट्स लगा दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो आप अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करोगे ऑप्शन, वो डिफरेंट हो सकता है जब आप अपनी ITR फाइल करो। कब, जब आपकी सिर्फ है सैलरी की इनकम। अगर किसी पर्सन की फर्दर इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, किसी की बिजनेस इनकम भी है, तो एक बार उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो वो ये चेंज नहीं कर सकता, फ्यूचर ईयर में चलता रहेगा, एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको बताया कि अगर उसका बिजनेस ही बंद हो जाता है, सिर्फ सैलरी इनकम रह गई है, तो उस केस में उसके बाद आप उसके पास हर साल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया है फाइनेंस एक्ट 2020 115 BAC का सब सेक्शन 5, जो बोलता है कि इस सेक्शन में दिया हुआ कुछ अप्लाई नहीं होगा जब तक आप इसे चूज नहीं करोगे जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हो। कि अगर आपके पास इनकम है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में ये ऑप्शन आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो चलता रहेगा। सेकंड, अगर आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम है, मतलब अदर देन इनकम रेफर टू इन क्लोज 1, तो उस केस में ये ऑप्शन आपके पास हर साल आएगा। प्रोविजो में क्या बोल रहा है, provided that option under clause 1 once exercised for any previous year can be withdrawn only once for a previous year। कहने का मतलब यह है कि आप इसे सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकते हो, मतलब एक बार विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आप इसे कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास बिजनेस इनकम भी है तो एक बार आपने इसको छोड़ लिया तो फिर आप कभी ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे न्यू स्लैब रेट का। बट आगे पढ़ो क्या लिखा है, एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब एक बार उसका बिजनेस बंद हो गया उस केस में उसके पास सिर्फ सैलरी इनकम रह जाती है, तो वो कौन से ऑप्शन में फॉल करेगा, क्लोज 2 में। क्लोज 2 का मतलब है हर साल उसके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। इसके नीचे क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली अगर किसी के पास बिजनेस इनकम भी आ रही है, उसने एक बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो फ्यूचर ईयर में भी चलता रहेगा, इसको आप वेव नहीं कर सकते। तो उस केस में जिससे आपको सैलरी आ रही है वो भी आपका TDS डिडक्ट करेगा सिर्फ उसी ऑप्शन से, चेंज नहीं कर सकता। आई नो गाइस की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट मैंने ट्राई किया कि आपके सारे कंसेप्ट कवर किए हैं कि 19, 20 और 21 के लिए टैक्स स्लैब रेट क्या है और कंडीशंस क्या है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहां तक वीडियो देखेगा। इट्स ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।